हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में 50 लीटर कार हो इसको रिपेयर करेंगे हम। इसमें दोस्तों पानी नहीं आ रहा था, इसकी दोनों एसवी ख़राब हो रही थी। एसवी की वजह से इसमें पानी नहीं आ रहा था। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे पानी ऑन करता हूँ, यहाँ पे पानी आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये SLX का एसवी है जो मैं इसमें फ़िट करने वाला हूँ। ये दोनों ही एसवी मैंने रिपेयर किया है। एसवी रिपेयर कैसे कर सकते हैं आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका आउटपुट भी लगा दिया है, ये जो कि पंप में आउट हो रहा है एसवी से पानी। और ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों ये 50 लीटर का आरओ था, इसमें 2 एसवी लगा हुआ है। इसके भी दोस्तों मैं वैसे ही सेम कनेक्शन कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये इनपुट कर दिया है मैंने इसमें। अब ये दोनों एसवी अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका जैसे मैंने वायर हटाया था वैसे ही एज इट इज़ मैं लगा देता हूँ। इसमें वाइट का वाइट में लगा देता हूँ, रेड का रेड में लगा देता हूँ। वैसे भी दोस्तों एसबी का आप किधर से भी वायर लगा सकते हो, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये भी लगा दिया है और इसको अच्छे से मैं टेप कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये 50 लीटर का आरओ है, इसमें हमारा 4 मेम्ब्रेन लगा हुआ है जो कि दोस्तों काफ़ी हाई TDS पे आरओ चल रहा है। मैं आपको TDS भी दिखाऊँगा इसमें कितना TDS रोबाटर का आ रहा है इसमें। तो ये देखिए दोनों पे मैंने अच्छे से टेप लगा दिया है। और दूसरी एसवी के भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ जो कि इसमें 100 GPD के 2 पंप लगे हुए हैं, 100 100 के। और एडेप्टर लगा हुआ है इसमें क्योंकि SMPS 200 प्लांट में काम नहीं करता है, जल्दी दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए एडेप्टर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए उसके भी 200 मैंने एज इट इज़ ऐसे ही कनेक्शन कर दिए हैं। तो आप भी दोस्तों इस तरीके से अगर एसवी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इस दोनों वायरों पे भी मैंने अच्छे से इसमें टेप लगा दिया है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका सर्विस भी कर दिया है आरओ का, जो कि रीफिल्टर हैं इसके वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बिग ब्लू 2 फिल्टर लगे हुए थे, 3। तो ये देखिए दोस्तों, इसका TDS जो आ रहा है हमारा 1380 TDS आ रहा है, ×10 आता है इसमें। TDS मीटर में 3 डिजिट ही आता है, उसके बाद ×10 में दिखाता है। ये देखिए दोस्तों, 1380 TDS है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।